और मेरिया भैन सभी फटे का जवाब फटे ले जाओ। वैद जी का खालसा बस्ती में पहले धन्यवाद करता हूं एज सर्विसमैन फाइट फॉर राइट्स लोग आरसपुरा देव प्रधान कैप्टन महेश शर्मा साहब और वो भी टीम सारी की सारी जो उसको मैं सभी को जो बाहर से आए हुए हमारे सबका फौजी हैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी रैली करवाई। उनके नाम पर एक बार सभी जितने सबका फौजी हैं तालियां। कैप्टन महेश शर्मा साहब ने इस रैली के लिए दिल्ली में बात किया था, गोसल साहब था, सुंदर प्रकट सिंह साहब था और सभी हम लोग ही थे। उन्होंने बोला था कि मैंने ऐसे से एक बड़ा रैली करना, एक बड़ा रैली नहीं है जैसे फौजी बोलते हैं कि रैंडा कर दिया, बड़ा बड़ा रैंडा कर दिया। मन बहुत खुश हुआ ये देख करके कि कैप्टन महेश शर्मा साहब है। बहुत ज्यादा इन्होंने वीडियो भी डाला था, आता था यूट्यूब में भी डालते थे ये हम ऐसे कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जो इतना बड़ा ये जो रैली किया हुआ। इसके बाद में मैं जो वन रैंक वन पेंशन की जो अपनी लड़ाई चल रही है जंतर मंत्र पर 20 फरवरी में धरना चल रहा है उसको अभी तकरीबन 1 साल होने वाला। विसंतियों के बारे में हम लोग सभी जानते ही हैं, विसंतियां तो है ही है। अभी हमारे लिए एक चीज की जरूरत है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने सबका फौजी और अपनी जितनी वीर नारियां उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की जरूरत है। बाकी विसंतियां तो दूर करवा रहे हैं हम, लेकिन जितनी देर हम जितने सबका फौजी हैं जैसे पूरे इंडिया के अंदर 35 लाख सबका फौजी है, 7.5 लाख वीर नारी है, हम सभी के सभी जितनी देर एक प्लेटफॉर्म पर सभी इकट्ठे नहीं होते उतनी देर हमारी मांगे जो नहीं मानेगी केंद्र सरकार। इसके लिए हम जितने भी सबका फौजी हैं सभी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं इसकी एग्जाम्पल देना चाहता हूं, पंजाब के अंदर पंजाब की बात करता हूं, हमारे जो सबका फौजी है उनकी 38 और पंजाब के अंदर की बात करता हूं पंजाब की 28 जो 28 किसान यूनियन की पार्टी है, 28 किसान यूनियन